नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारे आज के वीडियो का शीर्षक है स्टेज 4 यानी फोर्थ स्टेज के स्टमक के कैंसर यानी पेट के कैंसर का मॉडर्न इलाज। तो एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी कंट्री के लिए। देखा गया है कि हमारे देश में गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर बहुत ही कॉमन बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी है जिसके यूजली एडवांस स्टेज तक ज्यादा सिम्टम्स मरीज को नहीं दिखते हैं। नेट रिजल्ट ये होता है कि ज्यादातर मरीजों में ये बीमारी एडवांस स्टेज यानी स्टेज 3 स्टेज 4 में पकड़ी जाती है और इस सिनेरियो में मेनली इसका इलाज मेडिकल थेरेपी से ही होता है। यदि हम कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ही पीछे जाए, यदि कुछ साल ही पीछे जाए, तो उस टाइम पे इस कैंसर का आउटकम बहुत ही खराब होता था। एक मेन ट्रीटमेंट इस कैंसर की होती थी जो कि कीमोथेरेपी होती थी, ज्यादातर दूसरी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी और इस ट्रीटमेंट से ऑन एवरेज यूजली 6 से 8 महीने की लाइफ ही मिल पाती थी। तो इस कैंसर का प्रोग्नोसिस पहले बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही खराब हुआ करता था। बट पॉजिटिव चीज क्या है कि आज के जमाने में बहुत सारी नई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिससे इस स्टेज के कैंसर में भी लाइफ को काफी अच्छा लंबा एक्सटेंड किया जा सकता है, इस बीमारी को काफी अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है। तो पेट के कैंसर की जो नई ट्रीटमेंट्स आज के जमाने में अवेलेबल है हम इनको डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन, सबसे पहले ट्रीटमेंट जो हम स्टमक के कैंसर में मेजर चेंज लेके आई है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी कैंसर को ट्रीटमेंट करने का एक नया नजरिया है, एक नया आइडिया है। ये समझता है कि कैंसर जब बॉडी में पनपता है तो इसमें बॉडी की तरफ से कुछ कमी है। जो नॉर्मली हमारे बॉडी में कैंसर सेल पनपते हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम पकड़ के खत्म कर देता है, परंतु यदि किसी के बॉडी में कैंसर फैल रहा है इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम उन सेल्स को मार नहीं पा रहा है। तो ये वो टेक्नोलॉजीज है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल को रिकग्नाइज और किल करने में हेल्प करती है और कई कैंसर का ट्रीटमेंट इस नई ट्रीटमेंट ने कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर चुका है। तो यदि हम स्टमक कैंसर की बात करें तो ये पता चला है कि कुछ स्टमक कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ट्यूमर इम्यूनोजेनिक होता है यानी कि उस ट्यूमर पे इम्यूनोथेरेपी का असर अच्छा होता है और कुछ टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि किन पेशेंट्स में इम्यूनोजेनिक स्टमक कैंसर है। इन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी का असर बहुत ही अच्छा होता है यानी कि कीमोथेरेपी से कहीं सुपीरियर होता है और सही पेशेंट में सही ट्रीटमेंट से हम डिजीज को बहुत लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स। तो इम्यूनोथेरेपी का एक एडवांटेज स्पेशल ये है कि जैसे कि कीमोथेरेपी का बेनिफिट यूजली शॉर्ट लास्टिंग होता है, परंतु इम्यूनोथेरेपी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिनमें जिन पेशेंट्स का बेनिफिट होता है यूजली लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। तो ये इस ट्रीटमेंट का मेजर फायदा है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद करने की जरूरत यह है कि हर पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी का फायदा नहीं होता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे डॉक्टर पहले आपको टेस्ट करके पता करे कि किन पेशेंट में फायदा होगा और कितना नहीं फायदा होगा और सिर्फ उन्हीं पेशेंट से इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाए जिनको इस टेक्नोलॉजी से फायदे का चांस है। नंबर टू ट्रीटमेंट को बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड थेरेपी कुछ वो टेक्नोलॉजीज है जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल पे एक्ट करती है और नॉर्मल बॉडी पे एक्ट नहीं करती, इसलिए इनको टारगेटेड बोलते हैं। कैंसर सेल के अंदर एक टारगेट होता है जिसको ये ट्रीटमेंट जाके हिट करती है। तो स्टमक कैंसर में 2019 में मेन दो टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल है। नंबर वन टारगेटेड थेरेपी को हम बोलते हैं एंटी हर2 टारगेटेड थेरेपी और नंबर टू को हम बोलते हैं एंटी एंजियोजेनिक टारगेटेड थेरेपी। तो हम दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। एंटी हर2 टारगेटेड थेरेपी एक ऐसी टारगेटेड थेरेपी है जो करीब 20-25% पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल पॉसिबल होता है। स्टमक कैंसर सेल को जो बायोप्सी की रिपोर्ट है उसको हम टेस्ट करके जज कर सकते हैं कि मरीज को इस ट्रीटमेंट से फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां है जो कैंसर सेल में होने वाली स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जाके टारगेट यानी कि हिट करती है जिससे कि सेल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है और अप्रोप्रिएट पेशेंट में यूज करने का इस ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा बेनिफिट देखा जाता है। एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी एक दूसरी तरह की टारगेटेड थेरेपी होती है जो कि ट्यूमर के ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देती है। तो देखा गया है कि किसी भी कैंसर सेल को यदि ग्रो करना है और स्प्रेड करना है तो उसे इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई की जरूरत है और कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो उस इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देती है। नेट रिजल्ट ये होता है कि ट्यूमर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और ट्यूमर का वेस्ट वो अपने आप से दूर नहीं फेंक पाता है और इससे कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। तो अगेन ये एक ऐसी थेरेपी है जो प्रॉपरली चूजन पेशेंट्स में काफी अच्छा रिजल्ट दे सकती है और काफी लॉन्ग कंट्रोल दे सकती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगेन ये ट्रीटमेंट हर पेशेंट पे काम नहीं करती, बट जिन पेशेंट पे काम करती है उनमें यूजली बेनिफिट अच्छा होता है और प्रॉपर टेस्टिंग से हम डिटरमिन कर सकते हैं किन पेशेंट्स को टारगेटेड थेरेपी से फायदा है और किनको नहीं है।
नंबर तीन ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी स्टमक कैंसर का पुराना इलाज है, ट्रेडिशनली कई दशकों से ट्रीटमेंट स्टमक कैंसर का कीमोथेरेपी के बैकबोन पे बेस्ड है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कीमोथेरेपी का मेन फायदा है यूजली कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स क्विक मिलता है और कीमोथेरेपी ज्यादातर पेशेंट्स पर काम करती है और ये एक चीप थेरेपी है। परंतु कीमोथेरेपी का मेन नुकसान ये होता है कि ट्रीटमेंट का बेनिफिट शॉर्ट होता है और कुछ टाइम के बाद बीमारी का कंट्रोल छूट जाता है। नंबर टू, कीमोथेरेपी के अपने सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कुछ नए कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स इस समय अवेलेबल है जिनमें बेटर डिजीज कंट्रोल मिलता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो अप्रोप्रिएट पेशेंट में कीमोथेरेपी का यूज भी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है। लास्ट में हम बात करेंगे सर्जरी और एब्लेशन की। तो दोस्तों, कई पेशेंट मानते हैं कि स्टेज फोर कैंसर एक बार हो जाए तो सर्जरी का कोई फायदा नहीं है, तो ये एक गलत धारणा है। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में सही ट्रीटमेंट्स के इस्तेमाल से हम बीमारी को जड़ से इलाज भी कर सकते हैं और ड्रामेटिकली डिजीज कंट्रोल को हम प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो इसके हम दो उदाहरण देंगे। मान लो किसी को स्टेज फोर कैंसर है जिसका कैंसर पेट से निकल के लिवर में फैल चुका है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि यदि हम मेडिकल थेरेपीज, सर्जरी और एब्लेटर थेरेपीज मतलब जो एक बॉडी के ट्यूमर के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके उस ट्यूमर को खत्म करें विदाउट सर्जरी, यदि हम इन तीन तरह के ट्रीटमेंट को कंबाइन करें तो कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में बीमारी का हम क्योर यानी जड़ से इलाज भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और होता है कि कुछ पेशेंट्स में बीमारी स्टमक से निकल के पेट की परतों में फैल जाती है। अगेन इन पेशेंट्स में यदि हम मेडिकल थेरेपी के साथ कुछ स्पेशल तरह के सर्जरीज को कंबाइन करें जैसे कि हाईपेक, CRS इत्यादि, ठीक है, इनका नेट रिजल्ट ये होता है कि बॉडी के पूरे ट्यूमर को हम कोशिश कर सकते हैं खत्म करने की और नेट रिजल्ट है कि इस बीमारी का हम जड़ से इलाज कुछ पेशेंट में कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सारे ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन मेडिकल थेरेपी के साथ होना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, ये ट्रीटमेंट्स बस कुछ ही पेशेंट्स में यूजफुल है। तो सर्जरी स्टेज फोर स्टमक कैंसर में एक ऐसी मोडालिटी है जो कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में यूजफुल है, हर पेशेंट में यूजफुल नहीं है, परंतु यदि केयरफुली चूज करके पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम अच्छा आउटकम उन पेशेंट्स को भी और कुछ केसेस में जड़ से इलाज भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो हमारे इस वीडियो में जो जो टेक्नोलॉजीज हमने बताई है, हो सकता है आपको इनसे रिलेटेड काफी सवाल और क्वेरीज हो, तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड हमारे सोशल मीडिया लिंक्स और हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, और आप इन लिंक्स को फॉलो करके और हमारी वेबसाइट पर जाके इन इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी या सवाल है तो आप वो हमको डायरेक्टली भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा खुद कि आपकी क्वेरी का जवाब आपके पास जल्द से जल्दी पहुंचे। मेरे इस चैनल का पर्पज ये है कि वर्ल्ड के जो लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट है जिनमें से कहीं इंडिया में अभी अवेलेबल भी नहीं है, उनकी जानकारी हमारे इंडियन पेशेंट्स को हो ताकि उन ट्रीटमेंट्स का फायदा हमारे पेशेंट्स भी उठा सके। तो यदि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।